कोरोना महामारी को देखते हुए जनरल इंडस्ट्रीज कामगार यूनियन वेकोली सेवानिवृत्ति कामगार घुग्गुस के अध्यक्ष ने वेकोली के कामगार और अधिकारियों को लॉकडाउन में रखने की मांग की। कोरोना महामारी को देखते हुए जनरल इंडस्ट्रीज कामगार यूनियन वेकोली सेवानिवृत्त कामगार घुग्गुस के अध्यक्ष ने वेकोली के विविध क्षेत्रों और इकाइयों में कार्यरत कामगारों को जिला संचार बंदी और लॉकडाउन में रखने की मांग घुग्गुस ग्राम पंचायत के सरपंच को ज्ञापन देकर की है। जनरल इंडस्ट्रीज कामगार यूनियन वेकोली सेवानिवृत्त कामगार घुग्गुस के अध्यक्ष नरेंद्र चंद्रया नोने ने जानकारी देते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस वायरस से भारत के नागरिक संक्रमित ना हो और भारत के नागरिक सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। साथ ही महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन और संचार बंदी की है, लेकिन केंद्र सरकार की उद्योग जो खुली खदान है वहाँ पर कार्य करने वाले मजदूर और अधिकारी चंद्रपुर और यवतमाल इन दो जिलों में आवागमन करते हैं। जैसे कि यवतमाल जिले में अधिकतम खुली खदान स्थित है, जिनमें वेकोली वनी क्षेत्र के मुंगोली खुली खदान, नायगांव खुली खदान, नीलजई एक दो खुली खदान और वनी नॉर्थ की उखनी खुली खदान, पिंपलगांव खुली खदान, बांदेवाड़ा खुली खदान में इन सभी खदानों में कार्यरत कामगार चंद्रपुर जिले से ही आवागमन करते हैं और चंद्रपुर जिले में स्थित पनगंगा खुली खदान, माजरी खुली खदान में यवतमाल जिले में रहने वाले कामगार यहां कार्य करने आते हैं। इस संदर्भ में वेकोली मुख्यालय में उद्योग संदर्भ में जनरल मैनेजर से दूरध्वनि के माध्यम से वार्तालाप किया गया। इस पर उन्होंने प्रशासनिक पत्र मिलने पर डीपी से चर्चा करने की जानकारी दी है। जो भी यवतमाल जिले में जाकर के कार्य कर रहे उन्हें लॉकडाउन में रख करके हमारे कोयला उत्पादन एसेंशियल जॉब में आते हैं, लॉकडाउन में रख करके इनको चंद्रपुर जिले के अंदर ही जितने भी खुले खदान हैं वहाँ पर काम दिया जाए, ताकि इस महारोग से हमारे चंद्रपुर जिले के नागरिक जितने भी जनता 1.5-2 लाख जनता है वो बच सके। यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। और ये कोरोना महामारी कोई हार्ड एंड फास्ट में लोगों को दिखावट नहीं करती हैं, ये काफ़ी स्लो फाइजन बीमारी है, ये समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस लॉकडाउन को कड़क किया जाए जिला प्रशासन के द्वारा। इतना ही मेरा कहना है।